जानेबकारीदारे खिलाफ नफरत फैलास डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट इस्लामाबाद हो रही है फवाद चौधरी दो रोजा रिमांड मुकम्मल होने कमरा अदालत पहुंचाया गया फवाद चौधरी अदालती नुरू होने तू पाँ ही अदालत पहुँचा दिता गया बाबा रहवान फैसल चौधरी हमाद अजहर शीरी मजारी ते जुल्फी बुखारी भी कमरा अदालत मौजूद ने दौरानी समाज तफ्तीशी अफसर ने कहा कि फवाद चौधरी आईनी इदारे के दारे खिलाफ नफरत पैदा कर, पैदा कर पैदा रहे हैं फवाद चौधरी बदमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं बयान तो इलैक्न कमीशन के वर्कर्स की जान को खतरा पैदा किया जा रहा है फवाद चौधरी तू मजीद तफ्तीश लिसमानी रिमांड जरूरी है सैनेट तू मंजूर होने बिल पुरसरार तौर गायब होने लगे मुस्लिम लीग नून के सैनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि एक सौ पाँह साल पुराने कानून तू मुतलक तरमीमी बिल पेशा गया तरमीमी बिल पार्लीमेंट तू पास हो मगर वो सत महीनिया तो कम है इरफान सदीकी ने कहा कि सामाज का चुंगल अज भी बड़ा मजबूत है इसी हवाले तो सैनेट मुश्ताक अहमद ने कहा कि जबरी गुमशिदगी दात्मे बढ़ाया गया बिल भी गुमशुदा हो गया ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਨਵਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਲੀਆ ਹਿਬਾ ਫਵਾਦ ਨੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਤੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਗੁਫਤਗੂ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੇਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਿਬਾ ਫਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲੇ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਹਿਬਾ ਫਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਵਾਈਏ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਦਾ ਇਸੇ ਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਫਿਬਾ ਫਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਦੀ ਗੁਫਤਗੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਜਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਹਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲਾਈ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਚਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ मकबूजा मगरबी किनारे चराइली फौज की फायरिंग तू सठ साल खातून समेत नौ फलस्तीनी शहीद हो गए इसराइली फौजिया ने मगरबी किनारे वाके जैनेन महाजर फायरिंग की जिसके नतीजे सठ साल खातून समेत नौ फलस्तीनी शहीद हो गए फलस्तीनी बाज़ार सिद्ध हुकाम का कहना है कि इसराइली फौज की फायरिंग तू मजीद सोलह अफराद जख्मी होए जिन्हद की हालत नाजुके एक और वाकया इसराइली फोर्स ने जेनेन के सरकारी अस्पताल से तावा बोल दता तंसू गैस की शैलिंग की जिस तुम मुतदिद मरीजा तो उन्होंने तीमारदारा की हालत गैर हो गई इसराइली फौज के एहलकार ने तस्लीम किया है कि उन्होंने फोर्स मगरबी किनारे चलस्तीनिया के खिलाफ कारवाइया कर रही ने उन तक इतना ही मजीद खबरें तो अपडेट्स रहो या फिर विजिट करो सा वैबसाइट देसी टी वी यू एस ए डॉट कॉम